नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। जन्माष्टमी की धूम मची है, नंद के आनंद भयो गाने पर लोग थिरक रहे हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार जोर शोर से मनाया जा रहा है और बस लोगों को इस बात का इंतजार है कि कब भगवान कृष्ण जन्म लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी के पर्व पर ऐसा क्या करें कि जन्माष्टमी का पर्व हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विश्वविख्यात आचार्य सुदर्शन जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। हम आचार्य जी से करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। घर घर में नंदलाल की धूम, मथुरा में भक्तों की लंबी कतार, अखिल ब्रह्मांड नायक का होगा अवतार, कैसे करें भगवान कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे होगी हमारे लिए शुभ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। भगवान कृष्ण के मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। भगवान कृष्ण की लीलाओं की झांकियां जगह जगह बनाई गई हैं। मथुरा, वृंदावन, द्वारका में कृष्ण नाम की धूम मची है। चारों ओर कृष्ण नाम की लीला का वर्णन हो रहा है। मंदिरों में नाना प्रकार के मिष्ठान बनाए जा रहे हैं। भक्तों का भारी हुजूम सुबह से ही मंदिरों में आ रहा है। सुबह सुबह से मंदिरों में ही लंबी कतार लगी है। कृष्ण नाम से लोगों को बेहद प्यार है और आज कृष्ण का जन्मोत्सव भी है। आज गली, मोहल्ले और ग्वालाओं की टोलियां दही हांडी का खेल खेल रही हैं। इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास है। कहा जाता है कि इस बार का संयोग काफी साल बाद बन रहा, तो क्या है इस बार की जन्माष्टमी की महत्ता, कैसे करें पूजा व्रत और क्या है लीलाओं का महत्व, अगर आपको जानना ये सब बातें तो बने रहिए हमारे साथ। तो जिस तरह से आपने रिपोर्ट में देखा और जाना कि जन्माष्टमी का पर्व कितना हर्ष और उल्लास का है, भगवान नंदलाल का प्राकट होते ही हर किसी के मन में खुशी आने लगती है और नंदलाल के भजन कीर्तन गाने जाए जाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जन्माष्टमी का पर्व हमारे जीवन में कितने खुशियों के रंग भरता है। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगा मैं दर्शकों का जन्माष्टमी का अभिनंदन, और यह पर्व जो है इनके लिए शुभकारी हो। इसमें विशेषता जो है, प्रभु श्री कृष्ण ने जो है जन्माष्टमी का पर्व जो है इसमें जन्म लिया था, और सबसे जो विशेषता है वो रोहिणी नक्षत्र की है। रोहिणी नक्षत्र में प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं वह भी जो है किसी न किसी भाव से, किसी न किसी गुण से जो है संबोधन करते हैं। इसकी मैं चर्चा अपने प्रोग्राम के अंतिम में करूंगा। और सबसे पहले विशेषताएं हैं राशियों की, कि किस राशि पर किस चीज़ का प्रभाव रहेगा, तो उस पर जो है चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शुरुआत में कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का प्राकट हुआ था, तभी उन्होंने अवतार लिया था, जन्म लिया था, और रोहिणी नक्षत्र बहुत ज़्यादा शुभकारी माने जाते हैं। लेकिन देखा जाता है इंसान की ज़िंदगी में जो राशियां हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, और हर राशि हर त्यौहार पर कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर लोगों के लिए आती है। तो अगर बात की जाए जन्माष्टमी पर, मेष राशि के लोग जन्माष्टमी के दिन क्या करें। देखिए, विशेषता तो है जन्माष्टमी पर आराधना, पूजा और जप तप का नियम जो है सभी राशियों पर लागू होता है, पर विशेषता जो है मेष राशि का महत्व है। तो मेष राशि में अभी समय जो है वो प्रबल समय नहीं है, और इसमें जो है संतान की ओर से चिंताएं हो सकती हैं, कुछ रुके हुए काम जो हैं वह उलझ सकते हैं, बने हुए काम जो हैं उलझ सकते हैं। और इसमें जो है विशेषकर पीली वस्तु का अगर दान दिया जाए तो संभवतः मेष राशि वालों के लिए शुभ होगा। मतलब पीली चीज का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा, मेष राशि वाले लोग जन्माष्टमी के दिन पीली चीज का दान करें। और वैसे भी भगवान कृष्ण को पीतांबर
बेहद प्रिय था। अब बात करते हैं वृष राशि, वृष राशि वाले लोग क्या करें। देखिए वृष राशि वाले लोगों का जो मंथन है या गोचर फल है उसके अनुसार इसमें स्वास्थ्य की ओर से कुछ हानि का संकेत देता है, कुछ मात पिता को भी किसी ना किसी प्रकार जो है कष्ट रह सकता है, तो इसका संभवता जो है कि सफ़ेद चीज़ का दान देने से, सफ़ेद वस्तु का दान देने से यह जो है जन्माष्टमी इनके लिए शुभ होगी और इनको मात पिता के कष्ट से भी जो है समस्या से राहत मिल सकती है। सफ़ेद चीज़ का दान करें वृष राशि वाले, जिससे उनके जीवन में जो परेशानियां आ रही हों वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। बिल्कुल आचार्य जी, अब बात करते हैं हम लोग मिथुन राशि की, मिथुन राशि वाले लोग क्या करें जन्माष्टमी के दिन। देखिए मिथुन राशि वाले जो हैं वो क्योंकि स्थिर राशि है और उनको जो है थोड़ी मेहनत की अधिक आवश्यकता है, अगर वो मेहनत पे अपनी प्रबलता पर जोर देंगे तो जो है उनके जितने भी कार्य रुके हुए हैं वह संभवतः बन जाएंगे कार्य और यह जो जन्माष्टमी का पावन पर्व उनके लिए शुभ होगा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और इस संसार में परिवर्तन हुआ कि उन्होंने क्या किया कि शत्रु को नाश किया और अपने जीवन में शुभ कार्य का प्रबल किया, तो ऐसा ही जो है मिथुन राशि वालों के लिए है कि इस जीवन में परिवर्तन योग बैठा हुआ है तो परिवर्तन अगर वह लोग करेंगे या किसी भी जो है लाल वस्तु का दान देंगे तो जो है मिथुन राशि वालों के लिए शुभ होगा। बिल्कुल, अब सारी मिथुन राशि के बारे में बात कर ली, बात करते हैं कर्क राशि वाले, कर्क राशि वाले लोग क्या करें। देखिए कर्क राशि वाले व्यक्ति जो हैं निकट बंधुओं से सावधान रहें क्योंकि किसी न किसी शत्रु प्रभाव से, शत्रु प्रबलता से उनको जो है कष्ट हो सकता है और वह जो है खीर का दान करें। खीर का दान संभवतः उनके जीवन में नई खुशियों की योजनाएं ला सकता है और योजनाबद्ध कार्य करने से उनके सभी कार्य सफल होंगे, इसके लिए हम शुभकामनाएँ कर्क राशि वालों को देते हैं। कर्क राशि वाले खीर का दान करें। आचार्य जी, अगर बात की जाए सिंह राशि की, सिंह राशि वाले लोग क्या करें इस बार जन्माष्टमी को। देखिए सिंह राशि का महत्व सूर्य से प्रभावित करते हैं कि सूर्य का जो नक्षत्र है वह सिंह राशि वाले जातकों पर होता है और उस प्रकार उनको जो है शारीरिक प्रबलता प्रदान होती है, तो सिंह राशि वाले जातक जो हैं इस समय में प्रभु का सिमरण कर सकते हैं या ओम विश्वने नमः का जो है जाप करते हुए अगर वह दिन बिताते हैं तो उनका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय होगा। बिल्कुल, आपने बताया कि सिंह राशि वाले इस तरह से अपना दिन बिताते हैं तो उनका दिन बहुत ज़्यादा शुभ और मंगलमय होगा। बिल्कुल, जन्माष्टमी का पर्व वैसे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आता है और इस तरह से अगर देखा जाए लोग अपनी राशि के अनुसार अगर पूजा अर्चना करें तो भगवान कृष्ण और अत्यंत खुशियाँ लोगों को देते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या राशि वाले लोग क्या करें जन्माष्टमी के दिन। देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए विशेषकर है कि उनको आँखों की दृष्टि से कुछ ना कुछ जो है समस्याएं हो सकती हैं, किसी के प्रकार से स्वास्थ्य की ओर से प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे जातक जिनकी कन्या राशि है वह जातक जो है लड्डू का दान करें, बेसन के लड्डू का दान या पीली किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, वह उनके लिए जो है शुभ रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से मेष राशि वाले और कन्या राशि वाले अगर पीली वस्तु का दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल, कन्या राशि की बात हम लोगों ने कर ली, अब बात करते हैं हम लोग तुला राशि की, तुला राशि वाले लोग क्या करें। देखिए व्यवसाय में परिवर्तन का योग जो है तुला राशि वालों के बैठा हुआ है और इस समय में ओम विश्वने नमः या ओम गुरुवे नमः का वह जाप करते हैं तो उनके लिए शुभ रहेगा। प्रातः काल उठकर पूजा अर्चना करने के पश्चात जो है ओम गुरुवे नमः का जो है जाप उनके लिए अति आवश्यक है और इससे जो है उनके कार्य में प्रबलता प्रदान होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने मंत्र का बात की है और लोग अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके काम में प्रबलता आएगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करें। देखिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कुछ क्रोधी स्वभाव रख सकते हैं, पारिवारिक रूप से मनमुटाव रह सकता है
और आर्थिक परेशानियां जो है घर कर सकती हैं, इसके लिए उनको जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रुम स गुरुवे नमः का जो है उच्चारण उनको करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है उनको हलवा बनाकर जो है वह दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले अगर हलवा का दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को माखन वगैरह ये मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहद प्रिय थीं, और ख़ासकर अगर हलवा का दान किया जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की, धनु राशि वाले लोग क्या करें। देखिए धनु राशि में विशेषकर संभवता योग बैठा हुआ है और धनु राशि अपने में विस्तारक राशि है, शनि की राशि है, तो उनको जो है काले तिल का दान करने से या शक्कर दान करने से उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की, मकर राशि वाले लोग क्या करें और इस बार की जन्माष्टमी उनके लिए कितनी शुभ है। मकर राशि वालों को शुभ हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस वर्ष में और उनको जीवन में मान सम्मान जो है वह प्राप्त होने वाला है, गृह प्रवेश में वृद्धि होने वाली है, अगर भूमि के द्वारा वह कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो है उनको सफलता प्रदान अवश्य होगी, और जो है कि उनको उपाय के तौर पर जो है वो किसी भी मीठी चीज़ का जो है चाहे माखन हो चाहे मिश्री हो ऐसा जो है दान करने से उनके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, अब बात करते हैं हम लोग कुंभ राशि की, कुंभ राशि वाले लोग क्या करें इस बार जन्माष्टमी को। देखिए कुंभ राशि स्वतंत्र राशि है और स्वतंत्र राशि के व्यक्ति को तो स्वतंत्रता जो है वही होनी चाहिए, तो वह जो है प्रभु श्री विष्णु भगवान का सिमरन करते हुए हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस प्रकार जो है उच्चारण करते हुए भक्ति संगीत के साथ वह जो है दिन बिताएंगे तो उनके सभी कार्य पूर्ण होंगे। बिल्कुल, कुंभ राशि की बात होगी, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट राशि बची हमारे पास मीन राशि, मीन राशि वाले लोग क्या करें। देखिए मीन राशि जो है वो अस्तित्व की राशि है और मीन राशि वाले जातकों को मेरा विशेष संदेश है कि वह जो है किसी भी हरी वस्तु का जो है दान करें और उनके लिए जो है यह जन्माष्टमी का पर्व शुभ होगा और उनके जीवन में शुभ कार्य आरंभ होगा। हरी चीज़ों का दान करना चाहिए और हरी चीज़ के दान करने से उनके जीवन में शुभता ही शुभता आएगी और निगेटिविटी डिजॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, ही हम लोग राशियों के बारे में जिक्र कर लिया आचार्य जी, अब जन्माष्टमी का पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, तैयारियां जोरों पर हैं, मंदिर फूलों सजे हुए हैं, रोशनी से नहाए हुए हैं और बस इंतज़ार है भगवान कृष्ण के प्राकट होने का। तो भगवान कृष्ण के लिए तैयारियाँ किस तरह से करनी चाहिए, जन्माष्टमी को स्पेशल किस तरह से बनाया जाए। देखिए स्पेशल जो है जन्माष्टमी को बनाने का कार्यक्रम है ये कि प्रातःकाल उठकर जो है प्रभु का सिमरण किया जाए, स्नान किया जाए, शुद्ध हुआ जाए, किसी मंदिर तीर्थ पर जो है स्नान किया जाए और प्रभु के सामने बैठकर मन से मन को मिलाकर उस परमपिता परमात्मा की उस भगवान कृष्ण की आराधना करने से जो है उसका फल बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। बिल्कुल, भगवान कृष्ण कहते हैं, मानते हैं कि उनको लोग बताते थे कि उनकी लीलाओं में वो सारी बातें छुपी हैं जो ज़िंदगी जीने का एक अच्छा तरीका बताती हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने के लिए बात बताई जाती हैं कि अगर उनकी लीलाओं से लोग सीख सकें किस तरह से उन्होंने द्रौपदी चीर हमें लोगों की सहायता की, किस तरह से कालिया मर्दन किया था और किस तरह से भगवान जब अर्जुन को संदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, तो तमाम जो एक मैसेज निकल कर आता है वो जीवन जीने की एक पद्धति बनकर निकल कर आती है। सुनील जी आपने जो है ये प्रश्न करके बहुत ही बढ़िया बात करी है और इसमें विशेषता जो कालिया नाग की आपने बात करी है तो इसकी महत्वता जन्माष्टमी पर और भी बढ़ जाती है, कारण कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कालिया नाग से मिलने के लिए गए थे और उनको मारने के लिए गए थे या उनसे जो है युद्ध करा उन्होंने, तो उस समय में माता यशोदा ने एक विशेष व्रत रखा था जो आज हम जन्माष्टमी का पर्व रखते हैं, व्रत रखते हैं, ये प्रथा वहाँ से चली आई है,
इसके लिए संतान की वृद्धि हो, संतान को किसी प्रकार कष्ट ना हो, इसके लिए यह व्रत जो है बहुत ही उत्तम व्रत है। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि संभवतः हो सके तो वह यह व्रत रखना चाहिए, परंतु बूढ़े, बीमार और रोगी व्यक्तियों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। या संभवता अनुसार, जिस योग्यता अनुसार, उस प्रकार जो है व्रत रख के प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और कृष्ण की आराधना, इस संसार में जितने भी सार्थकता जन्म हुए हैं वह भगवान श्री प्रभु कृष्ण ने ही लिए हैं, बाकी और किसी भी देवता ने इस संसार में पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण नहीं किया। और इसलिए कि जीवन में जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी आपके जीवन की पूर्ति है, वो भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं। असन वसन की आवश्यकताओं की पूर्ति की योजना के लिए हम उससे हमेशा वंदनीय रहते हैं कि हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा बनाए रखो कि जीवन में हमारे आनंद। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान कृष्ण की बारे जिंदगी से हम लोग सीख सकते हैं और किस तरह से उन्होंने मानव का कल्याण किया। जब जब संकट पड़ा तब तक कहीं रणछोड़ बनकर वो आए, कहीं माखन चोर बनकर आए, कहीं कालिया मर्दन किया और कहीं कई बार द्रौपदियों, जिस तरह से अगर लाज बचाने की बात की जाए, संकट की घड़ी में जब जब माखन चोर को, जब जब रणछोड़ को किसी ने बुलाया है, तब वो हमेशा से आए हैं। अब बात करते हैं, कहा जाता है कि भादों की रात थी और रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र कितना महत्वपूर्ण है, कहते हैं अगर कोई बच्चा रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए सुनील जी, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक जो है वो शक्तिवान होता है, बुद्धिमान होता है, कीर्तिमान होता है, यशवान होता है, परंतु शारीरिक रूप से निर्बल होता है, यानी कि उसके शरीर की ग्रोथ मूवमेंट्स जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। और जो व्यक्ति इसकी साधना कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के आधारित हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक जो है जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त करते हैं और आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि उनके जीवन में खुशियों का अंबार लगा रहता है और अनंत खुशियां होती हैं, चेहरे पर उनकी कीर्ति रहती है, यश गौरव की उनको अच्छी प्राप्ति होती है। बिल्कुल, जिस तरह से आचार्य जी, अगर बात की जाए इस त्यौहार की, बहुत ही रौनक देखी जाती है बाजारों में, मंदिर फूलों से गुलजार रहते हैं, लोगों के रहने का एक तरीका जो त्यौहार का है वो किस तरह से होना चाहिए? इस त्यौहार पर जन्माष्टमी के दिन जिस वो आज है, उस दिन लोग क्या करें और क्या ना करें? देखिए, करने के लिए तो ये है कि प्रभु श्री कृष्ण की आराधना पूजा करनी चाहिए, और ना करने के लिए ये है कि जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करते हैं, किसी प्रकार से प्रताड़ना देते हैं, सच्चे सौंदर्य जीवन का आरंभ जो है विद्वानता से होता है और हर मनुष्य के अंदर विद्वानता जो है विराजमान है। जो किसी के पराए धन को, सोना चांदी को मिट्टी के योग्य समझता है, मेरी नजर में वो विद्वान है। बिल्कुल आचार्य जी, आप बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बता रहे हैं और ये ज्ञान जो आप यहाँ बरसा रहे हैं, हमारे जाते इस प्रोग्राम को जो देख रहे होंगे उनके जीवन में आनंद के पल आएंगे, खुशियाँ आएंगी। आप हमारे स्टूडियो में आपने समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते कुछ और टिप्स दे जाइए। देखिए, और जो है टिप्स की जो है बात करी जाए तो उस टिप्स में मेरे पास यह है कि विष्णु शस्त्र नाम वाली आती है, विष्णु शस्त्र स्रोत्रम आता है, तो विष्णु शस्त्र स्रोत्रम का जो है जाप मनुष्य को सदैव करते रहना चाहिए। और तप यज्ञ में दान दिया हुआ धन सार्थक हो जाता है और रोग और ऋण में गया धन निर्थक हो जाता है। दो उपाय आपको अचूक बता के जाता हूँ कि जो मनुष्य तप में और यज्ञ में दान देते हैं उनके धन की वृद्धि ही वृद्धि होती है, और जो मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में धन को लगाते हैं उनके जीवन में हानि का संकेत होता है। तो इसीलिए अपने जीवन में धन की वृद्धि के योग के लिए आप सदैव प्रभु श्री कृष्ण की शरण में रहिए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर असीम बनी रहे और हमेशा यज्ञ और तप में आप अपने जीवन को सार्थक करते चले जाइए। तो जिस तरह से आचार्य ने आपको सारी बातें बताई, हम भी चाहेंगे भगवान कृष्ण की लीलाएं
हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म ही कहते हैं कि बुराइयों को अंत करने के लिए हुआ था। जिस तरह से कहा भी जाता है कि जब भगवान कृष्ण हुए थे तो लोगों को तमाम तरह की उम्मीदों के बारे में पता पड़ गया था कि अब जो परेशानियाँ ब्रजवासियों के बारे में ब्रजवासियों के पास आ रही हैं उस सारी परेशानियों का विनाश होगा और खुशियों के दीप जलेंगे। हम भी चाहेंगे कि ये जन्माष्टमी आपके जीवन में अनंत खुशियाँ दें और आपकी ज़िंदगी हमेशा गुलजार बनी रहे। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।